मैं दिल्ली का वित्त मंत्री, आप सब लोगों के प्यार, आप सब लोगों के साथ से पिछले 3 साल से लगातार बजट बना रहा हूं दिल्ली सरकार का। और आपको बताया, लार्जली लोग दिल्ली के हैं, आपको सबको बताया कि जब दिल्ली सरकार में आए थे 3 साल पहले, तो दिल्ली सरकार का बजट होता था, रट लो, ध्यान रख लो, समझाने के काम आएगा, पार्क में आरएसएस वाले बहुत अफवाह फैलाते हैं। जब हम सरकार में आए थे तो दिल्ली सरकार का बजट होता था 29,000 करोड़ रुपए, 29,000 करोड़ रुपीज। उसके पहले 28,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 27,000 करोड़ रुपए। एक एक साल वापस चलते चले जाओ, 3 साल पहले 2012-13 में बजट था 26,000 करोड़ रुपए। तो 3 साल में बजट आया 26,000 करोड़ रुपए से 29,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आमदनी दिल्ली सरकार को बढ़ रही थी। रुको, समझ लो, चीजों को समझ नहीं रहे हो इसलिए बीच में ताली बजा दे रहा हूं, माफ करना, थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले 3 साल में हमारी सरकार आने से पहले हर साल बजट बढ़ता था 1,000 करोड़ रुपए, और 26,000 करोड़ रुपए से 29,000 करोड़ रुपए पहुंचा 3 साल में। लेकिन पिछले 3 साल में जब से आपकी सरकार आई है, ये टोपी वालों की, झाड़ू वालों की, केजरीवाल की सरकार आई है, बजट हो गया है 3 साल में 29,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,000 करोड़ रुपए। जो बजट पहले एक हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था मुश्किल से, वो पिछले 3 साल में 8,000 करोड़ रुपए हर साल बढ़ रहा है, 8,000 करोड़ रुपए। ये आपकी ताकत है, इस बात पे फक्र कीजिए। देश की किसी गवर्नमेंट का बजट इस तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तेजी से आज दिल्ली सरकार का बजट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदार सरकार चुनी थी। और ईमानदार सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जनता के पैसे को ईमानदारी से खर्च करे, बल्कि ईमानदार सरकार का काम यह भी होता है कि जनता जब टैक्स के पैसे दे तो वो ईमानदारी से जनता के खजाने में पहुंचे, सरकार के खजाने में पहुंचे। पहले जो जनता का पैसा इकट्ठा होता था और चोरी हो जाता था, आज वो पैसा इकट्ठा हो रहा है और सीधे खजाने में पहुंच रहा है, और वहां से फिर आपके स्कूल बन रहे हैं, वहां से फिर आपके मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, वहां से फिर आपकी वृद्धावस्था, विधवावस्था पेंशन 1,500 से 2,500 तक बढ़ती चली गई है। वो काम कर रही है आपकी सरकार। कैसे चोरी होता था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और इसको समझना जरूरी है। आज हमारे सब पदाधिकारी हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, चाहे मोहल्ले में बैठे हो, वार्ड में बैठे हो, विधानसभा लेवल पे बैठे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हो, स्टेट की किसी टीम में हो। आप सबके लिए ये उदाहरण मैं बता रहा हूं कि आपकी सरकार ने, हम हमेशा कहते हैं अरविंद जी भी अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उदाहरण देंगे आपके सामने, कैसे हमने 350 करोड़ वाला फ्लाईओवर 300 करोड़ में बनवा दिया। वो है ईमानदारी से खर्चा, लेकिन ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करना भी सरकार का काम है, और उसकी वजह से आज आपका बजट 8,000 करोड़ रुपए हर साल के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। कैसे? एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा, चोरी कैसे होती थी। हम लोगों ने एक दिल्ली के बड़े पिज्जा रेस्टोरेंट पे छापा लगवाया, हमें सूचना मिली कि चोरी होती है वहां पे टैक्स की, हमने वहां पर रेड डलवाई। पता क्या चला, जैसे आप लोग जाते हैं मार्केट में, 1,000 रुपए का आपने पिज्जा खाया, 12% का टैक्स देके आ गए, तो 1,000 रुपए वाले पिज्जा के कितने रुपए देके आए, 120 रुपए एक्स्ट्रा देके आए टैक्स के। तो आप 1,000 रुपए देके नहीं आते, 1,120 रुपए देके आते हो, और ये सोच के देके आते हो कि 1,000 रुपए पिज्जा वाले के और 120 रुपए सरकार के, ऐसी सोच के देके आते हो ना। लेकिन वो पिज्जा वाला रात को अपने कंप्यूटर में बैठ के आपकी सारी परचेज की एंट्री डिलीट कर देता था। मतलब 1,000 रुपए तो जो उसको दिए वो दिए उसके पास, जो 120 रुपए आपने सरकार